मध्य प्रदेश के छोटे से जिले दतिया के राज जेवी पब्लिक स्कूल के सोमवार को सीबीएसई के 10वीं परिणाम आने के बाद दतिया जिले के सभी स्कूलों में सुबह से ही बच्चों में परिणाम को लेकर उत्सुकता का माहौल था। जैसे ही 3:30 बजे परिणामों की घोषणा हुई तो परिणाम जानने के लिए अपने अपने मोबाइल एवं बाजार में साइबर कैफे पर बच्चों की भीड़ देखने को मिली। दतिया जिले के मशहूर राज जेवी पब्लिक स्कूल के देव गुप्ता ने 96.62% अंक प्राप्त किए। उनकी मां सरिता गुप्ता दतिया जिले के ग्राम दुर्गापुर में हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका हैं। देव गुप्ता के दतिया जिले में टॉप आने की वजह से उनके घर में खुशी का माहौल है। देर रात तक बधाई एवं मिठाइयों का दौर चलता रहा। वहीं पर चित्रांशु श्रीवास्तव 95%, अंश पांडे 94.83%, दीपक प्रजापति 93.83%, वंशिका गुप्ता 93.33%, स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता एवं स्कूल का नाम रोशन किया है। राज जेवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन राजेश मौर एवं प्रिंसिपल नवीन कुमार शर्मा सहित समस्त स्कूल स्टाफ ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हाँ सर, बताएं, आपके बच्चों ने दतिया में टॉप किया है, क्या मेहनत रही आपकी, इन्होंने इस बच्चों ने इतने मुकाम पर पहुँचे? जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, कि प्रथम 10 जो बच्चे हैं जो हमारे स्कूल के जो जिले के टॉपर हैं उनकी 6 राशि ली गई हैं। उसके पीछे टीचर्स की मेहनत, हमारे शिक्षकों ने जो है 3 महीने जो सतत मेहनत की है बच्चों के साथ, उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किए कि किन बच्चों को किस विषय में किस चीज़ की आवश्यकता है, किस तरह के गाइडेंस की और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और इसके लिए उन्होंने मेहनत की। इसके लिए हमारे स्टाफ और बच्चों की मेहनत जो रंग लाई है, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बहुत सहयोग किया, इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की बात। उज्ज्वल भविष्य के लिए उनके बच्चों के क्या काम है? उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे टीचर्स जो है समय समय पर बच्चों को गाइडेंस देते रहते हैं, 11th 12th में के बाद उनके पास कौन कौन सी फील्ड्स आगे जाके बढ़ जाएंगी, किस किस दिशा में वो अपना कैरियर चुन सकते हैं, उसके लिए उन्हें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। और वो जो है जिस तरह की भी गाइडेंस की स्कूल की तरफ से उनको आवश्यकता होती है, जिस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, समय समय पर वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा नाम चित्रांशु श्रीवास्तव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जिला में 2nd रैंक बनाई है, ऑफ कोर्स 95% से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे टीचर्स ने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि आज रिज़ल्ट आप सबके सामने है, मेरे सामने है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये स्कूल ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं जस्ट राजेश सर से बोलती थी और उन्होंने सॉर्ट आउट किया। तो क्या भविष्य में क्या योजना है, आगे क्या बनना चाहिए? आगे मेरे भविष्य में सिविल जज बनने की मतलब योजना है, मेरा एम है सिविल जज बनना। तो जस्ट पास आउट करूँगी 12th यहाँ से और फिर अपने करियर की ओर निकल पड़ूँगी। मेरा नाम वंशिका गुप्ता है। मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी इस उपलब्धि के लिए बहुत मेहनत की है, उन्होंने मतलब मेरी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सपोर्ट करके मुझे दिया है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पर मेरे टीचर्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, राजेश सर और हमारे प्रिंसिपल नवीन सर, उन्हें भी, क्योंकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी वो हम लोग का बहुत सपोर्ट करते थे और हम लोग को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत हेल्प भी की है उन लोगों ने। और ज़्यादा कुछ नहीं। आप बताएं। मैं मानसी सोनी आपसे ये कहना चाहती, मैं मानसी सोनी सारे टीचर्स को थैंकफुल हूँ बहुत। सारे टीचर्स वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया है, राजेश सर ने जिसमें बहुत सपोर्ट किया है, उनकी वजह से आज ये परसेंटेज आ पाई है। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मैं हिमानी खड्डर। मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय पूरे टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मेरे सारे टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीचर्स। मेरा नाम कशिश उमनानी है और मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय मेरे टीचर्स नवीन सर, राजेश सर, वाइस प्रिंसिपल सर और जितने टीचर्स हैं सबका श्रेय करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं सब के चक्कर से हम लोगों ने पढ़ा है और इतनी अच्छी पर्सेंट आई। मैं डायरेक्टर राजेश मोर, राज जेवी पब्लिक स्कूल दतिया से। सीबीएसई द्वारा
डिक्लेयर टेंथ के परीक्षा परिणाम में हमारे संस्थान के फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर हमारे स्कूल से हैं। दतिया ज़िले में लगभग 10 CBSE स्कूल हैं, उनमें हमारे छात्र देव गुप्ता ने 96.2% हासिल करके ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही चित्रांशी श्रीवास्तव ने 95% प्राप्त किया है एवं अंश पांडे ने 94.83% प्राप्त किया है। मैं उनके अभिभावक, बच्चों एवं स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।